अब बड़े आराम से कह दिया जा रहा है कि ऐसी मजलिस में हमें नहीं चाहिए जिसमें अली अली हो। हमें ऐसी नहीं चाहिए मजलिस में अली अली हो। फिर क्या चाहिए, क्या हो? अबू सुफियान, अबू सुफियान को या मुआविया, मुआविया और कुछ नाम लेते हैं मुझे ले नहीं सकते वो क्या। हमें खैबर खंदक नहीं चाहिए, खैबर खंदक नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए। हमें अखलाक चाहिए, हाँ अखलाक होना चाहिए। हमें करंट अफेयर चाहिए, हाँ वो भी होना चाहिए। हमें सियासी मौजूदात चाहिए, हाँ वो भी होने चाहिए। लेकिन सवाल ये किया जाए कि अगर हज की क्लास हो और दो दिन के बाद हज हो और आपको उस हज की क्लास में या तो हज ना बताया जाए और अगर बताया जाए तो एक दो मसले हज के बता के बाकी सब मसाइल सरकार के बता दिए जाएं या बैंकिंग के बता दिए जाएं तो क्या कहेंगे आप? अच्छा काम किया। अब जब आप रोकेंगे फर्ज करें मैं हज की क्लास ले रहा हूं, दो दिन के बाद आपको हज पे जाना है और मैं सब जो है वो मसाइल बता रहा हूं, करंट अफेयर भी, पॉलिटिकल इश्यूज भी, यूएनए के मौजूदात भी, इधर के भी उधर के भी, हज आपको नहीं बता रहा। और जब आप मुझसे कहेंगे मौलाना हज तो बताइए, मैं कहूं क्या ये दीन नहीं जो मैंने बताया? यहां पे क्या जवाब देना चाहिए? यहां पे जवाब देना चाहिए कि जी रुबला दीन है, लेकिन डेट्स और टाइम का ख्याल रखना चाहिए कि किस टॉपिक को डिस्कस किया जाए। सियासत हो लेकिन अखबार ना बने, टॉक शो ना बने, मजलिस करंट अफेयर का डिस्कशन ना बने, वो सुबह और शाम के जो सियासतदानों के पास आठवें दर्जे और दसवें दर्जे के जो सहाफियों के प्रोग्राम्स होते हैं वो ना बने मजलिस। वो ये कैफियत भी ना हो कि फर्ज करें खुदा ना खास्ता अफगानिस्तान में शियों पे हमला हो रहा है, हम कहेंगे नहीं, हम नहीं डिस्कस करते, नहीं करना चाहिए। और अभी भी आप लोग सलावत पढ़ें और मोहम्मद वाले अफगानिस्तान में मोमिनीन की हिफाजत के लिए, क्योंकि वहां पर दुआ करें कि खुदावंद तबारक व तआला बिहक मोहम्मद वाले मोहम्मद के हक खून है मुतहर हजरत फातिमा सलाम अल्लाह अलैहि। अब अगर ऐसा माहौल हो जाए कि मैं अफगानिस्तान के लिए दुआ करूं और आप नाराज हो जाएं, फिर आपकी मजम्मत करनी चाहिए। फिक्र नहीं है शुरू, लेकिन फर्ज करें पूरी मजलिस ही अफगानिस्तान में हो जाए, तालिबान की हिस्ट्री से लेकर अहमद शाह मसूद और वतन जनरल दोस्तों और ये और ये और ये पूरी हो जाए, तो इंसान कहने का हक है भाई, मतलब 9 मोहर्रम में 10 मोहर्रम में आपने दुआ करा दी काफी है, आपने हमारा दिल नरम कर दिया उनके लिए काफी है, हमें तवज्जो दिला दी काफी है, आपने बता दिया कि नमाज में पहले उनको याद रखो, अपनी बहनों को याद रखो, अपनी माओ को याद रखो, अपने बेटों को याद रखो, काफी है। हम लेक्चर सुन नहीं है क्या अफगानिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर? अब आप तसव्वुर करें एक जाने भी शोर हो रहा है कि अली अली बहुत हो गया है, ये बातें शोर है यार, आपको फौरन कहना है अली अली ना हो तो क्या हो? नहीं, ये जाहिर जाकिर, उन्होंने कोई बात अगर गलत कही हो तो फिर ये कहो कि सही बात करें, अली अली करें लेकिन सही तरीके से। खैबर खंदक बहुत हो गया, खैबर खंदक यानी इस्लाम की कामयाबी किसके जरिए से? उन भागने वालों के जरिए से, अली अपने विदालत के जरिए से। ऐसी बात ना करो, ऐसी खबर नहीं सुनी, ऐसी बात नहीं सुनी, लेकिन कभी किसी जाकिर ने ऐसा कहा? कह दे तो रोक दे, लेकिन मेंटल लेवल और एलबी लेवल हर वाक्य का, हर आदमी का अलग।
अब उसके बाद कहा जाता है कि जी हमें से फजाइल सुनने हैं, ये भी गोज आपने सुनी हो, शैतानी जुमला है, हम तो हर दफा सुनते हैं कि मौलाना अहले बैत के फजाइल दुश्मनों की क्या जरूरत है, अल्लाह को बचाओ जाए। कुरान में हजरत मूसा के फजाइल के बाद इसमें फिरौन की क्या जरूरत है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाह पहले कहने की क्या जरूरत है, पहले दुश्मनों का इनकार हुआ है, जो खुदाओं का इनकार हुआ है, तिलावत कुरान से पहले आऊज बिल्लाह मिन शैतान रजीम, अब जानते हैं नतीजा क्या होगा, इनको फोकस कर ले कनाडा में, इनको आप कभी दुश्मन अहले बैत के बारे में ना बताएं, फजाइल बताएं फजाइल बताएं फजाइल बताएं, जब ये जाएंगे किसी जगह पर और किसी दुश्मन हजरत फातिमा का उनके घर के जलाने वालों का कोई जिक्र पड़ेगा, उनके साथ अलैहिस्सलाम के रजी अल्लाह कुछ लगाएगा, ये कहेंगे कि हमने अपने मौलाना से या मजलिसों में 5 का जिक्र सुना था या मसलन 12 का सुना था या मसलन 14 के फजाइल सुने थे, हमारे उस्ताद ने और लोगों के भी फजाइल बताए, क्या होगा अब याद रखें कि हम में से हर फर्द फिरौन की तारीफ कर रहा हो, बिल्कुल आपको प्रैक्टिकल चीज बता दूं, हम में से हर फर्द फिरौन की पूरे सिस्टम की तारीफ कर रहा होगा, आप जानते हैं क्यों, लेकिन क्यों के कुरान में फिरौन की मुखालफत है, तो भी और क्योंकि कुरान में फिरौन की मुखालफत है, बात जगह खुद गॉस्पलिज्म में भी है, फर्ज करें कि ना तौरात में होती ना इंजील में, जो गॉस्पल्स हैं वो इनमें होती ना, बाइबल के समझे दीगर किताबों में किसी में होती ना, कुरान में होती, सिर्फ हजरत मूसा के फजाइल होते, आज हम सब तारीफ कर रहे होते फिरौन की, अब जानते हैं क्यों, सिर्फ हमें बताया जाता कि पैरामिड बनाने में इतनी इतनी चीजें इस्तेमाल हुई, इतनी ज्यादा बेहतरीन किस्म की टेक्नोलॉजी थी और ऐसा था और ऐसा था, हम सब कहते हैं वाह वाह बहुत बड़ी सिविलाइजेशन थी और दे वर द ग्रेट पीपल, होता ऐसा कि नहीं होता, फिर एक आदमी कहता है बहुत काबिल थी, एक आदमी कहता है बहुत ये वेलफेयर स्टेट थी, एक आदमी कहता है बहुत बड़ी हुकूमत थी, एक आदमी कहता है ये, एक आदमी कहता है ये, एक आदमी कहता है ये, क्या देखता, वो पत्थरों का ढेर देखता, वो क्यों टेक्नोलॉजी के हिसाब से अहम है, वो लोगों ने बनाया था लेकिन उसमें बादशाहों की अक्ल या शऊर का कोई दखल नहीं है, वो दूसरों ने बनाया था, वो जुल्म करके बनाया गया था, उसमें हजारों लोग मरे, तो यहां से पता चला कि बादल को भी पहचानना चाहिए, हक को भी पहचानना चाहिए, मजालिस में जो सबसे अहम मौजू है, जो दिन चल रहा हो, दिन से मंसूब हो, उस मौजू को ज्यादा कवर, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हज क्लास में सबसे पहले हज होगा, उसमें बिस्मिल्लाह भी होगी, उसमें सलावात भी होगी, लेकिन फर्ज करें कि हज क्लासेस में जैसे हमने मिसाल दी कि पूरी गदीर पढ़ डाले, तो बाद में कहेंगे कि हज के बाद ही तो वही थी गदीर, कहा जाएगा नहीं फिर आपने अच्छा किया बता दिया, कि अच्छा किया कि हम जाके देख लेंगे उस जगह को, लेकिन हमें उन्हीं आइम्मा की रविश के मुताबिक बताएं कि अहराम पहनना कैसे, क्या करना है, तो बस ये ध्यान में रखें कि किसी भी कौम को किसी भी दीन को जब खराब करना होता है तो बहुत सिस्टमेटिकली ब्रेन लगते हैं और उनके इंटेलेक्चुअल बैठते हैं और स्टेप बाय स्टेप खराब करते हैं, पहले चीजें ले, पहले वो चीजें ले, लेने का क्या तरीका होता है, लेने का तरीका नहीं होता मजलिस ना करे, लेने का तरीका ये होता है कि इनसे इख्तलाफ डाल के ये चीज ले लो, मिसाल के तौर पर बड़ा आज का शोर चल रहा है
आखिरी से मजलिस से ना पढ़ो आए जो है वो ना हमसे भी बात दफा करा दिया। अच्छा बात दफा लोगों को तवज्जो तवक्को ये थी कि क्योंकि हम बात दफा बात जाकिरों की मुखालफत कर चुके हैं पहले, लेकिन वो जाकिरों ने नहीं कि उनकी गलत बात की, लोगों को ये तवक्को थी कि शायद हम भी कहेंगे कि जाकिरों से ना पढ़ो। हम क्या कहते हैं यहाँ पर, हम ये कहते हैं कि भाई माशाल्लाह इतनी मजालिस होती हैं कि ये सारे उलमा कवर नहीं कर सकते, बिना शक नौहे पढ़ने वाले संभाले, एक मर्जिया पढ़ने वाले संभाले, कहीं और जाकिर संभाले, हमें ये शऊर डेवलप करना है कि नौहा हो या मर्जिया हो, सोस हो या सलाम हो, या कोई खिताब करने वाला जाकिर हो, ये कुरान और अहले बैत की तालीमात के मुताबिक बात है। क्या आपको अंदाजा है कि इंडिया में जो इतनी आजादारी हुई उलमा के जरिए से हुई है, इसमें कुछ फतवा और जाकिरों का भी दखल है? क्या ख्याल है आपका? ये जो जमाने का पंजाब था, क्या इतने उलमा थे सिंध में? थे इतने? ये खवातीन ने भी इसमें काम किया, जो खवातीन जाकिरात थी घरों में मोहल्लों में, किताबें लेके पढ़ती थी, हिफ्ज से पढ़ती थी, जैसे लफ्ज पढ़ती थी, सोस की सुन्नत में पढ़ती थी, सलाम की सुन्नत में पढ़ती थी, और कितनी जाकिरात ऐसी थी जो मजालिस से खवातीन पढ़ती थी, कितने जाकिर ऐसे थे जो किताब देख के मजलिस पढ़ते थे और सारी जिंदगी उन्हीं चंद किताबों से पढ़ते रहे, और हमें इमाम हुसैन को और मार्फत आइमा को उन्होंने अपने गाँव देहात में जिंदा रखा। अब आजकल ये बड़ा शोर हो रहा है कि ये जाकिरों से ना पढ़वाए। आपको पता है इसका नुकसान क्या होगा? देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, बल्कि उससे पहले आपको चीज बताएं, हमारे कल्चर में यानी इंडिया पाकिस्तान के कल्चर में शबी खानी नहीं हुई। शबी खानी क्या चीज होती है? जो ईरान में है, इराक में है, कुवैत में है और बहुत सारे जगहों पर है, वो क्या चीज है? जैसे कि ओपरा या किसका करबला। आपको हमें इतना महसूस नहीं होता, या नहीं हमें नहीं महसूस हो रहा, लेकिन आपको पता है कि ईरान के बहुत सारे गांव देहात में अब तक इराक में, तुर्की में, लुबनान में, कुवैत में, कतर में, बहरीन में, जब तक वो ना हो जाए उनकी आजादारी मुकम्मल नहीं होती। लिहाजा क्या फरमाया हमारे महाराजे ने कि शबी खानी को हराम नहीं कर सकते, सिर्फ उसमें शर्त ये लगाते हैं कि कोई हराम काम नहीं। हत्ता उसमें महाराजे से हमारे सवाल ये हुआ कि बास जाहिर खवातीन तो नहीं होती, मर्द जो है वो बुरखा पहन के आते हैं, क्या ये जायज है? आयतुल्लाह उस्मान अबू हसन इस्फहानी से यह सवाल हुआ, आयतुल्लाह उस्मा मोहसिन हकीम से यह सवाल किया, क्या जवाब था उनका? कि हमें इमाम हुसैन को आगे बढ़ाने के लिए, मसाइल करबला को समझाने के लिए ये जो शबी खानी होती है, अगर इसमें कोई हराम काम ना हो, अगर इसमें कोई झूठ ना हो, यानी गलत शेर ना हो, गलत जुमला ना हो, या ऐसा कोई काम के जिससे तौहीन आइमान ना हो, तो कोई हर्ज नहीं है बल्कि सवाब। अब अगर उसे ले लिया जाए, फर्ज करें नौहे को पाकिस्तान से ले लिया जाए, तो आजादारी पे असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? इस पर आप जाकिरों को बिल्कुल हटा लें, पूरी सराय की बैठ से आजादारी खत्म हो जाएगी। पूरी सराय की बैठ से आजादारी खत्म हो जाएगी। इसी तरीके से आज तक इंडिया में बहुत सारी जगह जो है बिल्कुल नौजवान बच्चे लोग, लेकिन उनसे हमें क्या कहना चाहिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन बात जो है वो लॉजिकली करो और किसी किताब से करो और इल्मी, और अगर गलती हो जाए तो क्या करें, मारे पीटे हटा दें? एक दफा दो दफा अगर बार बार कोई कर रहा हो गलत काम तो फिर अलग बात, लेकिन किसी से गलती हो गई कुछ अरे कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सबसे बेटर। तो आजादारी इमाम हुसैन का जो असल हदफ है कि जिससे लोग इतना घबराए हुए हैं, इसको ऊपर हमें तवज्जो देनी चाहिए कि ये क्या वजह है कि सारी दुनिया पर, सारी दुनिया में इस पर अटैक होते हैं, इसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट किए जाते हैं, क्यों? वजह यह है कि यह आजादारी का जो कल्चर है, उस पर यह कि आइमा
असल ऐसा, फिर उसमें इलाके इलाके का कल्चर जो है वो अलग है। ये हमारे मराजे ने फरमाया कि हर वो काम की जो हमें इमाम हुसैन को करबला को प्रमोट कर रहा हो, जिंदा रख रहा हो, वो सब अच्छे, वो सब के सब अच्छे। लेकिन इसका असल फायदा क्या है? फायदा यह है कि कौम को यानी तमाम दुनिया को खुसूसन आलम इस्लाम को बताया जाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 50 साल के बाद रसूल के नवासे के सर को काट कर मौत के नेजा पर बुलंद कर दिया था, रसूल की नवासियों की चादरों को छीना गया था और बाजारों दरबारों में फिराया गया था। लेकिन 50 साल के बाद ये काम अचानक नहीं हुआ था, कोई चाइना या जापान के सामुराई नहीं आए थे। ये जो काम हुआ था ये तो उरूज पर हुआ था, कदर इमाम हुसैन और असीरी कर था। लेकिन मसाइल का सिलसिला शुरू हो गया था हजरत फातिमा सलामुल्लाह की ज़र्बत से, और ज़र्बत का सिलसिला हुआ था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने के फौरन बाद से। दफन के फौरन बाद, फिर 2-3 दिन के बाद और फिर 5 या 7 दिन के बाद बड़े पैमाने पे हुआ कि जिसमें जनाब सैयदा की पसलियां भी हुई। हमें यह समझना चाहिए कि आजादारी कितनी बड़ी नेमत है। अब जो लोग कहते हैं कि जी जो पुरानी आजादारी हो गई इसका कोई फायदा नहीं था, अब यूं हो जाए यूं हो जाए यूं हो जाए, सवाल किया जाएगा अगर कि आप में से पंजाब का है खुसूसन या पाकिस्तान इंडिया के मुख्तलिफ इलाकों का, ये इतने शिया जो हुए हैं ये किसने किए थे? ये पंजाब में इतने शिया सदियों से थे नहीं, वो जाहिल उलमा थे। कौन? ना मैं नहीं कह रहा था बाज़ अफराद की बात करूर का पैकर में माजल्ला माजल्ला इस्माइल देवबंदी साहब की तौहीन कर, ये पंजाब में जो शिया हैं ये आयतुल्लाह उस्मा हाईवे लाहौरी के शिया किए, हशमतुल्लाह खैरुल्लाबादी के शिया किए। बाद में देखा जाए मनाजरा करने वालों में से इस्माइल देवबंदी साहब के शिया किए, बशीर फातिह रहसला के शिया किए, ताजुद्दीन हैदरी के शिया किए। कहीं कहीं नजरिया की इख्तलाफ अलग चीज है, लेकिन किसी के हक को पूरा पामाल कर दिया जाए जबकि उन लोगों ने जानबूझ के कोई गलती नहीं की, बहुत इंसाफ की बात। गलती हो जाए और बार बार किसी मौजू को खराब किया जाए, दोनों में फर्क। इसी तरीके से आप तसव्वुर करें इंडिया को, हम सिर्फ इस वजह से बता रहे हैं कि बाज दफा जो आपको बाज लोग गांव में देहात में सादे से पता चला कपड़ा उन्होंने बगल में दबाया हुआ है, आए हैं और जिक्र इमाम हुसैन करके जा रहे हैं, उनको सादा ना समझे। बास खवातीन जो बिल्कुल सादी सी हैं, जिक्र इमाम हुसैन कर रही हैं, अगर ये कैलकुलेट करें कितने घरों में कितने साल तक कितनी दफा इन्होंने इमाम हुसैन की याद को ताजा रखा, तो फिर मिसाल दें कि खवातीन के खिलाफ हम प्रोपेगेंडा शुरू कर दें, क्योंकि खवातीन को जो नहीं पढ़ी मूवियां इधर उधर कहीं वो मजलिस ना पढ़े, बात अच्छी है कि नहीं देखने में बड़ी अच्छी है। यहां आपने रोका अब सवाल होगा कि कितनी मजलिसें रुकेगी, बहुत सारी मजलिसें रुकेंगी। अब इन खवातीन से क्या कहा जाए, आप तैयारी करके फिर भी मजलिस गलती हो गई कोई बात नहीं,